धन्यवाद महोदय जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियों के बारे में चर्चा में मुझे भाग लेने का जो मौका दिया है। महोदय, इस विषय पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी डिटेल में चर्चा जहां पर की है, लेकिन महोदय मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के साथ साथ मान सम्मान जो विश्व भर में बढ़ाया है, मैं उसकी सराहना भी करता हूं और ये अद्भुत भी है। महोदय, अब की बार जो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलता ने जो अद्भुत गौरव दिलाया है वो बहुत ही सराहनीय है। महोदय, हर एक की सांसें तब रुक गई थी जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही थी, और महोदय अनोखा सुखद पल था जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, और इसके साथ साथ ही तभी इसरो ने एक सुखद समाचार जो है वो विश्व को दिया कि चंद्रयान 3 की सफलता पूर्वक लैंडिंग जो है वो हो गई है। देश भर में भारत माता की जय के जयकारे जो है वो गूंज उठे। महोदय, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने वैज्ञानिकों का मान सम्मान करते हुए 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की जो घोषणा की, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। महोदय, चंद्रयान 3 की सफलता में वैज्ञानिकों के साथ साथ हमारी जो वैज्ञानिक बहनें हैं उनका भी बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहा है। और महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिक आज बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। तभी तो आपने देखा कि भाई अभी चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी, उसके बाद सूर्य तक पहुंचने के लिए भी जो है वो कदम जो है वो उठाए थे। महोदय, जय तभी संभव हो पाया जब देश के प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 की असफलता के बावजूद भी वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया और उनका मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उनके साथ खड़े रहे, और उन्होंने कहा कि हम हार कर भी जीतेंगे, आज से ही एक नई उड़ान की तैयारी जो है वो करो। महोदय, वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम किया और उसमें उन्हें सफलता जो है वह प्राप्त हुई। महोदय, मैं आपके माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ वहां पर बहनों के साथ साथ देश के नागरिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 की जो हमारी सफलता है वो एक अद्भुत सफलता है। देश का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, लेकिन इससे देश के नागरिकों का, देश के नौजवानों का मनोबल भी जो है वो बढ़ा है। धन्यवाद।